back. Now let's come to our chicken recipe. Sarso olive oil. ...100% pure olive oil imported from Italy. अज्जा मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या है. देखें चिकन आप ले लीजिए, चिकन थाइज ले लीजिए, चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिए, चिकन बोन्स वाला ले लीजिए, और लहसुन है, अदरक है. ऑफकोर्स थाई खानों में कभी भी पेस्ट इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा फ्रेश. हरी मिर्चें हैं, ये जो है ये कोकोनट मिल्क है जिसमें हम पानी डाल के कोकोनट मिल्क पाउडर का वो बना देंगे, ठीक है. उसके बाद हम इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे, हरा धनिया जाएगा, लेमन जूस है, धनिया पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये है लौंग का पाउडर. ये आपको मिलता नहीं है मार्केट में, ये आपको बनाना पड़ता है, ठीक है. काफ़ी सारा लौंग लेके पीस के मैं एक डब्बा भर के रख लेती हूँ. और छोटी हरी इलायची का पाउडर है, दो प्याज चॉप किए हुए हैं, केन पेपर है, और लाल मिर्चों का पाउडर है. सो यहाँ लाल मिर्चों का पाउडर आप डालिए चिकन में, नमक डालिए और काली मिर्चें डालिए, और इसको मैरिनेट करके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है. ये एक चीज़ हो गई. अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने सरसों ऑलिव ऑयल को पहले थोड़ा सा हीट करना है. ज़ीरा डालेंगे हम इसमें, चावल बॉईल किए हुए हैं, इसके साथ हम एक बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी लजीज सी क्यूकम्बर सैलड बनाएंगे, ठीक है. ये बकलावा के पीसेस मैंने काट के रखे हैं. नॉर्मली बकलावा इज़ नॉट विथ इस तरह की फ्रूट, मैंने एक आपको एक वेरिएशन सिखाया है, बनाइएगा ज़रूर. अच्छा वो जो था वो फ्रिज में, ये देखें अच्छी चॉकलेट होगी तो वो जम भी जाएगा, ठीक है. फिर आप उसके ऊपर इस तरह कुकीज़ रख दीजिए, या आप क्रिस्टलाइज्ड जिंजर रख दीजिए काट के. एक और ये आपकी रेसिपी रेडी हो गई है. सो वील पुट दिस ऑल्सो हियर, दिस इज ऑल्सो रेडी. ओके, ज़ीरा ज़रा कड़कड़ा है तो फिर आप इसमें चीज़ें दूसरी डालेंगे. मैं प्याज थोड़ा कर लेना चाहती हूँ गोल्डन, ठीक है. लहसुन अदरक प्याज पहले, यू कैन ऐड इट इन एनी वे बट आई प्रिफर कि मैं पहले ज़रा प्याज को अच्छा सा गोल्डन करूँ. कोकोनट मिल्क में हम ये पानी डाल के उसको हमेशा मिक्स करने के बाद डालेंगे, कभी भी पाउडर को डायरेक्टली नहीं डाल दीजिएगा. ये देखें विस्क लिया. कुछ लोग इसको और मज़ेदार करने के लिए कोकोनट मिल्क के पाउडर के सैशे में दूध डालते हैं, नॉट वाटर, वो भी ट्राई करके देखिएगा. इसको मुझे ब्राउन नहीं करना है, लेकिन मुझे इसको सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है, कलर चेंज हो, उसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे, ठीक है. अब आप चिकन के पीसेस, या तो पूरे ये थाई के पीसेस हैं बोन्स के साथ पूरे ये इस्तेमाल कर लीजिए, या आप हाफ चिकन यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको जो भी सहूलत मिले. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कहा है वही आप करें. हाँ, बेकिंग में आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं करिएगा, क्वांटिटी स्पेशली, ठीक है, लेकिन कुकिंग में आप कर सकते हैं. बकलावा की एक तस्वीर हमने पूरे डिश की भी ली थी, फिर काट के भी तो आपको दिखाना था ना. ये याद रखिएगा कि बकलावा के हर फाइलो पेस्ट्री के शीट को आपने मक्खन के साथ ब्रश करना है, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है, सूखा कुछ भी नहीं रहे. और नीचे 8-10 लेयर्स करिएगा, फिर जो भी फिलिंग आपको करनी है वो करिएगा, फिर उसके ऊपर दूसरे करिएगा, ठीक है. तो इस तरह फिर वो बनेगा. बहुत लगेगा आपको कि ओफ इतनी लंबी रेसिपी है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है. इसको मुझे थोड़ा सा करना है, ठीक है, पकाना है. अब इसी के साथ हम अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं, ताकि मैं चिकन को फिर इसमें सौते करूं. अदरक लहसुन चॉप किया हुआ एंड द चिकन, जिसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और काली मिर्चें लगाई थी. आप चिकन के थाइज यूज़ करें, बोनलेस यूज़ करें, ब्रेस्ट फिले यूज़ करें, कुछ भी, लेकिन कड़ी में मुझे अच्छा लगता है कि ज़रा बोन्स वाले पीसेस हों, ताकि फिर उसमें उसका एक स्टॉक बहुत अच्छा बनता है. एक्स्ट्रा चीज़ें हम हटा देंगे यहाँ से.
ओके, नाउ मसाले और क्या क्या हैं? देखें, ये है केन पेपर पाउडर, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्चों वाला जो पाउडर होता है वो ये है, ठीक है। इसमें सिर्फ कलर आएगा, इतना तेज़ नहीं होता है। फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर, यानी सिनेमन पाउडर। फिर ये धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर, और ये है लौंग का पाउडर, क्लोव पाउडर। एज आई सेड, ये पीसना आपको पड़ेगा खुद। फिर हल्दी है, इतनी सारी नहीं। नमक हम डाल चुके हैं। छोटी हरी इलायची का पाउडर है, ये भी मैं घर में पीसती हूँ, कभी भी मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, उसमें वो खुशबू होती ही नहीं है। छिलके समेत इसको पीसिएगा, ठीक है, छिलका फेंक नहीं दीजिएगा। और हरी मिर्चें, वो ऑब्वियसली थाई फूड इज़ क्वाइट स्पाइसी। ये भी हो गया सब कुछ। अब वी लेट द चिकन कुक, मसालों के साथ अच्छी तरह चिकन को पकने दीजिए। ओके, वी टेक अ ब्रेक। इसको मैं ढांक लेती हूँ, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। ये देखें, चिकन को अच्छी तरह आपने मसालों के साथ भूना है। उसमें अब आप डालेंगे द कोकोनट मिल्क पाउडर का पूरा सैशे, जो पानी के साथ आपने खोला था। चावल के साथ खाने के लिए ये कड़ी है, तो उसको ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। सो वील एड मोर वाटर इन दिस। 700 ऑलिव ऑयल में हम पका रहे हैं आज खाना, बहुत ही लजीज बनेगा, ट्राई करके आप भी देखिएगा। यहाँ चावलों को, बॉयल चावलों को एक बॉल बना के इस तरह रख दिया है। लाल तेज़ वाली जो मिर्च होती है, फ्रेश वाली, वो तुलसी का पत्ता, लेमन जूस। अच्छा, एक बहुत ही आसान सी क्यूकम्बर सैलड होती है, ये देखें, खीरा है लंबाई में इस तरह कटा हुआ, उसमें जाएगा थोड़ा सा सिरका, उसमें जाएंगी लाल वाली मिर्चें, एंड जस्ट मिक्स दिस टुगेदर। दिस इज योर वेरी यमी हरा धनिया एंड लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। दिस विल गो ऑन द साइड एज योर सैलड, और यहां कड़ी आएगी चिकन की। लेमन जूस, चिकन को पकने दीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं मिलता है, बिकॉज नॉर्मली हम थाई खाना जब बनाते हैं तो जो स्पाइसेस डालते हैं या जो लेमन ग्रास वगैरह कैफिर लाइम लीव्स डालते हैं, कुछ शहरों में वो नहीं मिलता है। हरा धनिया जाएगा इसमें, और ये सब हटा देते हैं यहाँ से। बकलावा और भी काट के रख लिया है टू शो यू गाइज, और ये जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। फॉर जिंजर एंड चॉकलेट लवर्स इस तरह बनाइएगा ज़रूर। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते हैं जो मैं अंदर डाल दूँगी, बिकॉज वो मुझे अंदर फ्लेवर के लिए डालने हैं। हरा धनिया भी अंदर जाएगा। सॉरी मसाला चला गया है, अब खांसी आ रही है। आज हमने चिकन की कड़ी 700 ऑलिव ऑयल में बनाया है। प्योर ऑलिव ऑयल, 100% इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। कुकिंग के लिए बेस्ट है, और सैलड ड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करूँगी जब मैं सैलड्स बनाऊँगी। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। आई नीड टू ऐड सम मोर लेमन, तो हम लेमन जूस थोड़ा सा और डालेंगे। हमेशा ये यूज़ करती हूँ मैं, बिकॉज बीज ना जाए और हाथ भी साफ रहें। नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है इसकी। अब कड़ी को आप पकने दीजिए। कलर देखिए इसका, मसालों की वजह से हुआ है, हल्दी की वजह से हुआ है, और चिकन के जो मोटे वाले पीसेज हैं उनको हो जाने दीजिएगा, अभी जल्दी नहीं है हमें, ठीक है जी। मीनवाइल ये जो आपकी सैलड है उसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा।
ये आपकी क्यूकम्बर की सैलड है, चाहें तो आप इसके छिलका रखिएगा, चाहें तो निकाल दीजिएगा, लेकिन इस तरह स्टिक्स में काटिएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने इसमें लेमन जूस, लाल वाली मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा सिरका डाला है। इसको यहाँ प्लेट में रख देते हैं और थोड़ी सी जगह रखेंगे कड़ी के लिए। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? अभी भी थोड़ा वक्त है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, तो कॉल कीजिए, कुछ पूछना है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग बात करते हैं हमसे, लेकिन कुछ सवाल पूछते हैं कुकिंग के हवाले से, बेकिंग के हवाले से, तो और भी मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ हो तो पूछिएगा ज़रूर। और अगर ये वाली लाल मिर्च नहीं खा सकते हैं तो नहीं ऐड करिएगा। आई वॉन्टेड टू ऐड इट बिकॉज ये सही वाली स्पाइसी वाली थाई कड़ी है। Without using any specialized thai, कोई भी अज्जा ऐसा नहीं है जो आपके शहर में, आपके घर में आपको नहीं मिले, ठीक है। ये भी हो गया। प्लेन बॉयल चावल हैं, नहीं मिले बासमती ही इस्तेमाल करिएगा, मिल जाए तो जैस्मिन राइस यूज़ कर लीजिएगा। अब इसमें हम कड़ी निकालेंगे। और अगर पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाए तो थोड़ा सा डालिएगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि ये कड़ी ड्राई हो। चावल के साथ खाने वाली कड़ी है ना। और कैसे पता चलेगा कि चिकन इज़ डन और नॉट? आप एक ज़रा नाइफ पोक करके चेक कर लीजिएगा। ये देखें, डन। मोटे वाला पीस हमेशा चेक करते हैं। यस, दिस इज़ ऑल्सो डन। कॉलर हैं जी? हेलो, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? हाफिज़।